राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री अयोध्या में 42 करोड़ की लागत से बनने वाली 101 आंतरिक सड़कों का शिलान्यास करेंगे। नगर निगम द्वारा दलित व गरीब बस्तियों में दीपक भी वितरित किया जाएगा। अयोध्या की पौराणिक कुंडों को भी दीपक से प्रकाशित किया जाएगा। दीपोत्सव के आयोजन के आसपास टाटा कंपनी द्वारा बनाए गए 85 बायो टॉयलेट, इसके साथ में कई स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरे आयोजन क्षेत्र में लगाई जाएंगी 300 डस्टबिन। 22 अक्टूबर से नगर निगम गरीब बस्तियों व मलिन बस्तियों में दीपक करेगा वितरण। प्रत्येक परिवार को 11 दीपक व तेल प्रदान किए जाएंगे। नगर निगम के सभी पार्षद अपने क्षेत्र में 100 प्रतिष्ठित घरों का करेंगे चयन। प्रत्येक घर में दीपोत्सव के दिन जलाए जाएंगे दीपक। दीपोत्सव कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाएंगे 5000 लीटर के 11 वाटर टैंक। माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं दीपोत्सव के दिन, वो भी सहसा जो विश्व रिकॉर्ड पुनः बनाया जाएगा 5,51,000 दीपक का, उसमें भी कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, कोई भी स्थल अछूता ना रहे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको 22 तारीख से प्रारंभ करेंगे, ऐसी भी अपनी योजना। नगर निगम स्थानीय लोगों को भी दिए देगा, कितने दिए देगा, किन किन घरों में देगा, सब क्या दीजिएगा? अयोध्या जोन के लगभग सभी घरों तक हमारे पहुंचने की योजना है। पशु की जो बात है, हमारे पास 1500 पशु पहले से ही अयोध्या द्वारा जो संचालित नगर निगम द्वारा पशु आश्रय स्थल है वहाँ पर है। अभी और हम 1-2 दिन 3 दिन से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। अयोध्या में कोई भी आवारा पशु आपको नहीं मिलेगा। प्रत्येक घरों में जितने दिए जाएंगे उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो हमें बताएं। प्रत्येक घर में 11 दीपक देंगे। और कुछ विशेष दीपोत्सव के जो अयोध्या नगर वासियों को नगर निगम के द्वारा आपके महापौर के द्वारा दिया जाएगा? मैं नगर वासियों से केवल इतना अपील करता हूँ, ये राम नगरी विश्व की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है और अनेक राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, अनेक देशों से लोग इस दीपोत्सव को मनाने आ रहे हैं। अयोध्या को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें और माननीय योगी जी के सपनों की अयोध्या बनाने में सहयोग करें, यही अयोध्या वासियों से अपील। अभी आप शौचालय के लिए कोई बात कर रहे थे, 85 टॉयलेट दीपोत्सव स्थल के पास माँ सरयू के किनारे टाटा के बहुत अच्छे टॉयलेट लग रहे हैं। आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसकी पूरी तैयारी नगर निगम कर रहा है। जब पीले पानी